बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटीज जो है उसके बारे में ईआरडी के बारे में स्टडी करना शुरू किया था कि कुछ सिंबल्स हमने पढ़ी थी कि एंटिटीज को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एट्रीब्यूट्स को किस तरह जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उनके रिलेशनशिप्स को किस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स किस तरह की रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने देखा था कि डायमंड शेप जो है वो यूज होती है। इसके अंदर हम कोई ऐसा वर्ब एक्शन वर्ड जो है वो राइट करते हैं जो कि दो एंटिटीज या दो टेबल्स के दरमियान हमें कोई रिलेशनशिप शो कर रहा होता है और ये बेसिकली क्लैरिफाई कर देता है हमारी इस नीड को कि क्या वाकई जो दो एंटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप्स बना रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। द लॉजिकल एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड सिंबल कनेक्टेड टू द रिलेटेड एंटिटीज। तो आप जैसे कस्टमर और ऑर्डर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है? कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो इसको हम लिखेंगे कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। अब कस्टमर के एट्रीब्यूट इधर आ जाए, कस्टमर की आईडी आ गई है, नेम है कस्टमर का, कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है, और ऑर्डर के एट्रीब्यूट इधर आ गए कि ऑर्डर आईडी है, एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। तो ये उस रिलेशनशिप बाद में इसकी जो टाइप है हम जब देखते हैं तो पता चलेगा कि एक कस्टमर जो है वो कितने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह ये ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ गए। अब इसकी एक और एग्जांपल जैसे टीचर और कोर्स का आप देखें कि क्या आपके पास क्या रिलेशनशिप बनेगा। अगर यहाँ पर टीचर है और ये कोर्स है तो टीचर टीचेस, टीचर जो है वो टीच करता है उस कोर्स को, और स्टूडेंट स्टूडेंट है अगर यहाँ पर और कोर्स का है तो क्या रिलेशनशिप होगा कि स्टूडेंट कोर्स को स्टडी करता है, अटेंड करता है या एनरोल करता है, जो भी वर्ड आप यूज करें लेकिन उसकी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी। और इसी तरीके से जो है अगर आप टीचर और स्टूडेंट की डायरेक्ट उनके दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगा कि वो क्या टीचर जो है, वैसे तो अगर आप कॉमन लाइफ में बात करेंगे तो आप कहेंगे टीचर जो है वो स्टूडेंट को टीच करता है, लेकिन डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनेगा क्योंकि वो उनके दरमियान एसोसिएशन जो है वो क्या टीच करता है, टीचर कोर्स टीच करता है और स्टूडेंट कोर्स को पढ़ता है, तो इसलिए उनके दरमियान जो एसोसिएशन है उसके दरमियान में एक कॉमन आएगा, हमारे पास एक एंटिटी आएगी जो कोर्स की एंटिटी होगी। तो ये डिफरेंस होगा हमारे पास कॉमन, जो आप लाइफ में हम कोई एसोसिएशन करते हैं दो एंटिटीज के दरमियान या दो इंस्टेंसेस के दरमियान, और इसी तरीके से जो डीबीएमएस में उसकी डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होगी। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, दो एंटिटीज के दरमियान जो है किस तरह का आपके पास जो है वो रिलेशनशिप हो सकता है इन दो, या तो एक एंटिटी का अपने साथ ही एक रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की एग्जांपल दी है कि एम्प्लॉय जो है वो सुपरवाइज कर सकता है। बेसिकली रिलेशनशिप जो है वो आपके पास तीन तरह के होते हैं, यूनरी वैसे यूनरी होता है और उसके अलावा बाइनरी भी हो सकता है, इस तरह से कि वन टू वन रिलेशनशिप हो, वन टू मैनी रिलेशनशिप हो। तो इस तरह हम सबसे पहले यूनरी को देख लेते हैं। यूनरी रिलेशनशिप है, एक एंटिटी का अपने साथ ही एक रिलेशनशिप होगा। वैसे तो यूनरी का मतलब है वन, कि वन एक एंटिटी का दूसरे के साथ वन टू वन भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। यूनरी मीन कि एक रिलेशनशिप जो है बोथ पार्टिसिपेंट आर ऑफ द सेम इन द रिलेशनशिप आर सेम एंटिटीज। अब ये बात आपको कैसे समझ में आएगी कि एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को सुपरवाइज कैसे कर सकता है। इसकी एग्जांपल लेके एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं। अब 100 एम्प्लॉयज को एक जो है वो आपका जो हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो उनको सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको मैनेजर्स असाइन करेगा कि एक सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर उसके अंदर वो एम्प्लॉयज होंगे जो सेल्स मैन होंगे। इस तरह अगर उस ऑपरेशंस का आपके पास डिपार्टमेंट है तो एक ऑपरेशंस मैनेजर ऑपरेशंस होगा, उसके अंडर वो एम्प्लॉयज होंगे जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप जो आपके पास अगर सेल्स मैनेजर है वो एक एम्प्लॉय भी है और दूसरे एम्प्लॉयज का वो को सुपरवाइज भी कर रहा है, वो अपने आप को सुपरवाइज नहीं कर रहा। अब लेट्स से कि वो चार सेल्समैन है, जिन एक सेल्समैन नंबर वन है सपोज, उसको वो जो है वो सुपरवाइज कर रहा है, तो सेल्समैन इटसेल्फ भी तो एम्प्लॉय है, जो उसको सुपरवाइज कर रहा है वो भी एम्प्लॉय है। तो आप बात समझ रही है कि उसके इंस्टेंसेस फर्क होंगे लेकिन
एज एन एंटिटी, डाटा तो उन सबका एज ए इम्प्लॉय एक ही टेबल में पड़ा होगा ना, एक ही एंटिटी के अंदर पड़ा होगा और एक जैसी इंफॉर्मेशन सबकी स्टोर हुई होंगी। सिर्फ जो है वो सेल्समैन की का जो डेजिग्नेशन है या उसको वो मैनेजर का रोल असाइन नहीं किया होगा, जबकि जो मैनेजर होगा, जो लेट्स से कि वो सेल्स मैनेजर है, तो उसका रोल जो है एक उसको मैनेजर का रोल असाइन किया गया होगा। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई है, और अगर नहीं समझ में आई तो जब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे ईआरडी की तो वहां और भी बेहतर तरीके से आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब देखते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या है? दो एंटिटीज के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। इट एग्जिस्ट व्हेन टू एंटिटीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर थ्रू अ रिलेशनशिप। इन बाइनरी रिलेशनशिप द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स मे बी डिस्क्राइब्ड वन टू वन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बाइनरी का जब जिक्र आएगा तो फिर उसमें फर्दर टाइप्स आ जाएंगी। बाइनरी में वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा, मैनी टू मैनी होगा। पहले सिर्फ और सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप को समझे। बाइनरी बाय का मतलब ही क्या है? टू। तो बाइनरी रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज के दरमियान है, फिर दो एंटिटीज के दरमियान क्या किस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है? मसलन एक जो है इनके दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप का क्या मतलब है? एक आदमी को, एक पर्सन को एक ही आईडी कार्ड इशू हो सकता है, एक ही आईडी नंबर इशू हो सकता है। इसी तरह अगर आप लें कि एक पर्सन के जो डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करते हैं तो आप उसके कुछ डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल वो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा कि एक पर्सन के या एक एम्प्लॉय के मैनी डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। पर्सन और डिपेंडेंट के अंदर जब रिलेशनशिप बनेगा तो एक पर्सन के मसलन उसके मतलब पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं, वाइफ है या स्पाउस आप कह लें, एक जेनेरिक वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो आपके पास उसके डिपेंडेंट्स हैं जिनको लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। तो एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एक से ज्यादा मैनी डिपेंडेंट हो सकते हैं, और इस तरह से आपके पास ये वन टू वन रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया है कि एक स्टूडेंट जो है एक ही क्लास का स्टूडेंट हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट एट ए टाइम दो क्लासेस में है, वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहा है, वो सेकंड ईयर में भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो एग्जाम जरूर दे सकता है सप्ली में दोनों के, लेकिन वो एट ए टाइम एक ही क्लास का स्टूडेंट कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद इसमें देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे एक एम्प्लॉय है उसके मैनी डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, एक कस्टमर है वो एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, व्हेन अब इसको आप डिफाइन किस तरह करेंगे? वन टू वन में करेंगे व्हेन सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है? अगर स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर आपके पास एक नाम है, लेट से नंबर वन पे है एक नाम है अली, नंबर टू पे एक नाम है आसिम, नंबर थ्री पे एक नाम आपके पास आ रहा है आयशा, तो अब ये उस टेबल के अंदर तीन इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय की भी एग्जांपल दी थी, तो अब एक मैनेजर है वो भी उसी टेबल का एक इंस्टेंस है, और जो सेल्समैन है वो भी उसी टेबल के इंस्टेंसेस हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का अपने साथ ही क्या रिलेशनशिप बन रहा था कि जहां पर उसका रोल मैनेजर है तो वो बहुत से डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए मैनेजर का रोल उसका बन रहा था, लेकिन वो एक्चुअली टेबल में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से ही बन रहा है, मैनेजर का कोई अलग से टेबल नहीं है और ऐसे केस में होता भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं, वापस आते हैं आप रिलेशनशिप को, इसको वन टू वन को डिफाइन करेंगे। व्हेन सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी एंड इट इज कॉल्ड द वन टू वन रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल आपको गिवन है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक ज्यादा समझा दी है। आप वन टू मैनी को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन इंस्टेंसेस ऑफ एन अदर एंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंटिटी सेम नहीं है, एंटिटीज डिफरेंट है, तो वहां सिंगल इंस्टेंस से एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ सिंगल इंस्टेंस मैनी इंस्टेंस से एसोसिएट हो सकते हैं, हो रहे हैं। अब तीसरी टाइप क्या है कि मैनी इंस्टेंसेज जो है वो मैनी इंस्टेंसेज के साथ जो है वो आपके पास जो एसोसिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की जगह कोर्स या सब्जेक्ट का नाम ले लें, तो एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, एक स्टूडेंट लेट्स से कि वो सिक्स कोर्सेज पढ़ रहा है, तो ये आपके पास एक स्टूडेंट का कितने छह कोर्सेज से ताल्लुक बन गया। अब कोर्स की तरफ से देखें, अगर आप इसको रिवर्स में देखें तो एक कोर्स को मे बी के 40 स्टूडेंट्स जो है वो 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अब ये आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात समझ में आ गई कि दोनों तरफ से आपने इसको रीड करना है तो आपको समझ आएगी।
उसमें अब यहाँ एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्रोजेक्ट असाइन जो है वो हो रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट को जो है ग्रुप की फॉर्म में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई ऐसी कंडीशन लगा दें कि नहीं जी एक स्टूडेंट को तो मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट यूनिक होने चाहिए, एक प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट करेगा, ज्यादा स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो वहां पर यही रिलेशनशिप जो है वो वन टू मैनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनको हम बिजनेस रूल्स कहते हैं। जब भी सिस्टम हम डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं कि लेट्स से कि जो आप जैसे जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सुपरवाइजर जो है हम सुपरवाइज करते हैं, तो कुछ एचईसी के जैसे रूल्स हैं कि एक सुपरवाइजर मैक्सिमम इतने स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकता है, या मिनिमम इतने किसी भी अगर कोई फ्रेश पीएचडी है तो उसको कम से कम इतने स्टूडेंट्स इतनी ड्यूरेशन में जो है वो सुपरवाइज करने चाहिए। तो इस तरह आपके पास ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे बिजनेस रूल्स डिफरेंट आ जाते हैं। When more than one instances of entities associated with more than one instances of another entity, then it is called many-to-many relationship. Explain, मैंने आपको ये कर दिया है जिस हद तक आपको इसकी जरूरत थी। अब आ जाते हैं हम cardinality और modality की तरफ। अच्छा, यहाँ symbols नहीं आपको बताई गई one-to-many की, one-to-one की और one-to-many की, मैं आपको symbols बता देती हूँ यहाँ पर। अब ये जो वन टू वन रिलेशनशिप है तो ये कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर इसके एक एक लाइन लगा देंगे। इट मीन्स ये वन टू वन रिलेशनशिप है, ये वन टू मैनी है, तो इस साइड पे वन वाली साइड पे वन आएगा, एक लाइन आएगी, डैश आएगी, और इस साइड पे एक ये सिंबल आएगी, इसको हम क्रो फीट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वन है, ये मैनी है। अगर इस साइड पे वन इंस्टेंस है, इस साइड पे मैनी है, तो ये मैनी वाली सिंबल इधर आ जाएगी। और इस तरह अब आप खुद समझ गए होंगे कि मैनी टू मैनी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी क्या सिंबल बनेगी। इस पे दोनों साइड पे आपके पास ये क्रो फीट आ जाएगा। ये यहाँ कुछ सही नहीं बना, लेकिन आगे बुक में जो बना हुआ है वहां से आपको समझ आ जाएगा कि ये सिंबल है क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी। अब कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी क्या चीज है। Cardinality refers to the maximum number of times an instance in one entity can be associated with instance in related entity. An instance in a database is actual content of the database at a particular point in time. Instance की definition बताइए, वो तो मैंने आपको बता दी है कि उसका एक particular जो एक आप कह रहे हैं एक record है जो एक table में, वो उसका एक instance कहलाता है। तो cardinality क्या है कि मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं। मसलन कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक सुपरवाइजर है वो मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट्स को हेड कर सकता है, एक स्टूडेंट है तो वो मैक्सिमम कितने कोर्स पढ़ सकता है। तो आप आपके पास भी जैसे देखें लिमिट है कि किसी क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो छह कोर्स मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, किसी में वो आठ कोर्स पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है वो कौन से ग्रेड में है। तो ये कार्डिनैलिटी है। अब है मोडेलिटी। मोडेलिटी है कि आपके पास क्या वो उनकी एसोसिएशन जरूरी है भी या नहीं। इट रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस इन द रिलेटेड एंटिटी। यानी कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर को डिफाइन करती है और मोडेलिटी मिनिमम को डिफाइन करती है। ये फर्दर आगे मैं आपको जब एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये दोनों टर्म्स और बेहतर समझ आ जाएंगी। कार्डिनैलिटी कैन बी वन और मैनी एंड द सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड एंड। ये सिंबल्स पर एक्सप्लेन कर दी है कि उसकी जो रिलेशनशिप की लाइन होती है एसोसिएशन की, उसके ऊपर हम वन वाली साइड पे वन जो है एक लाइन कर देते हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो हम उसकी मोडेलिटी जो है किस साइड पे होती है उस पर हम ये जीरो जो है वो प्लेस कर, सॉरी कार्डिनैलिटी की साइड पे हम ये एक जीरो सर्कल पे जो है वो डाल देते हैं, ये जीरो डाल देते हैं। मोडेलिटी कैन बी वन और जीरो and the symbol is placed on inside next to the cardinality symbol. अब ये पहली symbol जो है वो आपके पास cardinality की है और दूसरी symbol जो है modality उसकी है, modality की। cardinality क्या है, एक instance जो है उसके, यानी ये one to many है, यानी आप cardinality है, cardinality में तीन चीजें आएंगी आपके पास, one to one, one to many, many to many, ये तीन कार्डिनैलिटी पढ़ी है आपने। और मोडेलिटी है मैंडेटरी या ऑप्शनल।
ये दो वर्ड्स आगे शायद इसमें टेक्स्ट में यूज हुए हैं या नहीं, आप नोट कर लें कि अगर आपके पास जो है ये जीरो है तो इसका मतलब है कि ये वाली एसोसिएशन जो है ये ऑप्शनल है। एक स्टूडेंट जो है लेट से कि उसकी जो है हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज है, तो एक स्टूडेंट जो है उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो को करिकुलर एक्टिविटी वाली साइड पे हम ये जीरो डाल देंगे। इट मीन्स कि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट की को करिकुलर एक्टिविटीज हो। एक स्टूडेंट है वो गर्ल्स गाइड का जो है वो मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो वो उसकी ऑप्शनल आ जाएगी ये चीज। इसको हम कहते हैं आप यहाँ पर मोडेलिटी, ठीक है। और कार्डिनलिटी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास जो है अगर इसी मोडेलिटी में अगर वन आ जाता है, मोडेलिटी में आपके पास जो है कार्डिनलिटी इज मैनी एंड मोडेलिटी इज जीरो, ये यहाँ पर बताया। अगर आप आपके पास ये जो आगे मोडेलिटी है इसमें वन आ जाता है तो इसका मतलब है ये आपके पास जो एंटिटी है ये मैंडेटरी है, मस्ट है। मोडेलिटी का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंडेटरी या ऑप्शनल, ये दो ही ऑप्शन है इसमें। मैंडेटरी एक स्टूडेंट की जो है वो एक क्लास जो है कम अज कम उसको एक क्लास असाइन होगी तभी वो स्टूडेंट कहलाएगा, या जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं तो अगर एक सेमेस्टर में एटलीस्ट जो है वो एक कोर्स पढ़ रहा है तो वो उस सेमेस्टर में एनरोल होगा। ज्यादा वो पढ़ सकता है लेकिन एटलीस्ट वो उसमें उसके लिए कोर्स पढ़ना जो है वो मैंडेटरी है, तो ये आपने इसको जहन में रखना है। अब इसका टेक्स्ट रीड करते हैं। कार्डिनलिटी कैन बी वन और मैनी एंड द सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड एंड्स ऑफ द रिलेशनशिप लाइन क्लोजेस्ट टू द एंटिटी। मोडेलिटी कैन बी वन और जीरो, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या थे, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और मोडेलिटी क्या है, मैंडेटरी या ऑप्शनल। या तो वन है तो वो मैंडेटरी है, जीरो है तो ऑप्शनल है। When cardinality and modality are specified together in a relationship between entities, for a cardinality of one, a straight line is drawn. For cardinality of many, foot जो लिखा हुआ है ये crow feet होता है, foot with three toes, ये वाला ये लिखा हुआ है crow feet इसको कहते हैं। Basically दरमियान वाला जो है वो एक line उसकी already आ जाती है, तो इसलिए मैंने जो draw किया है वो इस तरह की symbol की है, ये complete crow feet कहते हैं, तो ये इसकी three lines होती हैं। For modality of one, a straight line is drawn and for the zero जो है वो zero draw किया जाता है, ठीक है। अब ये जो one जो है ना ये आपके पास दो जगह पर आ गया, यहाँ जेन में रखें, ये cardinality में भी आ रहा है one और modality में भी one आ रहा है, इससे आपने confuse नहीं होना, ये आप ERD पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या है, इसकी cardinality क्या है, many है और modality zero है। इसकी cardinality many है और modality one है। इसकी कार्डिनलिटी भी वन है, इसकी मोडेलिटी भी वन है। इसकी कार्डिनलिटी वन है बट मोडेलिटी जीरो है। तो अगर आप यहां से देखें तो कार्डिनलिटी में क्या क्या आ रहा है, आपके पास मैनी आ रहा है और वन आ रहा है। ये लगता बात है कि जब दोनों तरफ जाएगा मैनी टू मैनी तो वो तीसरी भी आपके पास आ जाएगी, आपके पास कार्डिनलिटी। और मोडेलिटी में सिर्फ या तो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, अगर वो मैंडेटरी है तो वन है, ऑप्शनल है तो जीरो है। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं, इससे ये आपको कार्डिनलिटी मोडेलिटी ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश की है पहले भी आपको आराम से जरा बेहतर समझा सकूं। एग्जाम्पल वन है, लेट्स ड्रॉ ईयर डायग्राम ऑफ एंटिटी स्टूडेंट एंड सीट। अब वन बाय वन आपको हम बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो एक ही सीट पे उसका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। सीट दैट स्पेसिफाइज द कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी, स्टूडेंट फील्स अ सीट, दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो सकता है एक सीट पर हम दो स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लें, ठीक है। तो इसमें अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, वन स्टूडेंट कैन फिल मैक्सिमम वन सीट, एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक ही सीट को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। और इसी तरीके से एक सीट पे एक ही स्टूडेंट आ सकता है, उस पर ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ सकते। तो दोनों तरफ से ये रिलेशनशिप जो है इसकी कार्डिनलिटी वन टू वन है, ठीक है। अब ये मैंडेटरी ऑप्शनल की बात नहीं हो रही, ठीक है, वन टू वन है कार्डिनलिटी। मोडेलिटी इसकी क्या होगी कि क्या एक स्टूडेंट को सीट मिलेगी तब ही वो हमारा स्टूडेंट बनेगा, तब ही वो स्टूडेंट कहलाएगा। अगर उसको सीट नहीं मिल रही, अगर उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। तो उसका स्टूडेंट होने के लिए वन जो है उसकी मोडेलिटी होना मस्ट है। तो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। The modality on each side is also one. The student must fill at least one seat.
अगर वो सीट फिल नहीं करता तो डेफिनेटली वो हमारा स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो सीट खाली है, उस पर कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो सीट भी जो है वो मतलब उसका भी कोई रोल नहीं होगा हमारे सिस्टम में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज टीचर एंड कोर्स। अ टीचर टीचेस वन कोर्स, वन और मोर कोर्स, दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज शोन इन फिगर दिस। अब एक टीचर का जो है कार्डिनैलिटी क्या है कि वन टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेस, ठीक है। तो ये पहले वाला जो है, पीछे वाला जो आपके पास ये लाइन है, ये है उसकी कार्डिनैलिटी। इधर एक टीचर ज्यादा कोर्सेस टीच कर सकता है, या आप इसको क्लासेस ले लें, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे सेटअप में अगर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, तो जो कंप्यूटर साइंस का टीचर है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही टीच करेगा, वो कोई और कोर्स नहीं टीच करता। तो यहाँ पर हम इसको क्लास अपने सेटअप से अगर कंपेयर करें, तो हम इसको क्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो डिफरेंट क्लासेस को जो है वो टीच कर सकता है। तो इसकी कार्डिनैलिटी वन टू मैनी आ जाएगी। मोडेलिटी क्या है? मोडेलिटी इज वन और बोथ एंड्स ऑफ द रिलेशनशिप, वन टीचर मस्ट टीच एटलीस्ट वन कोर्स, ठीक है। तो अगर वो एक टीचर जो है कोई कोर्स भी टीच नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फिर उसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फिर वो टीचिंग स्टाफ नहीं कहलाएगा, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आ जाएगा, ठीक है। तो टीचर के लिए, टीचर होने के लिए मस्ट है कि कम अज कम वो एक कोर्स जो है वो जरूर टीच कर रहा हो। तो ये उसकी जो है आप कह लें मैंडेटरी रिलेशनशिप है, ये ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर के लिए ये हो कि वो कोई भी कोर्स टीच ना करे और फिर भी वो टीचर हो, ठीक है। तो ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है, आई थिंक सो। अब आपको एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, अ ब्रांच ऑफ अ कंपनी हैज मेनी डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजर। द ईआर डायग्राम दैट शोज द कार्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी ऑफ दिस इज शोन इन फिगर 7.18। पहले आपको अलग अलग करके दो एग्जाम्पल्स बता दी कि आपको कार्डिनैलिटी मोडेलिटी समझ में आ जाए। आप जरा दो से ज्यादा एंटिटीज जो है उनके दरमियान कैसे रिलेशनशिप बनेगा वो आपको बता रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल में। अब तीन एंटिटीज है इसमें, हमारे पास एक ब्रांच है, डिपार्टमेंट है और मैनेजर है। तो अब देखिए, ब्रांच का मैनेजर से कोई ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। ब्रांच जो है, डिपार्टमेंट कहाँ पर है, वो मैनेजर जो है क्या पूरी ब्रांच का मैनेजर है या एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है। तो अब ये अगेन हमारे बिजनेस रूल्स पे आ रहा है, जो हमें यहाँ दिखाया गया है बिजनेस रूल वो हमें गिवन है कि डिपार्टमेंट का मैनेजर है और ब्रांच के डिपार्टमेंट है। एक ब्रांच में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स है और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होना मस्ट है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ब्रांच के अंदर डिपार्टमेंट होने मस्ट है, ये उसकी कार्डिनैलिटी है। ये जो दूसरे वाला आपके पास लाइन है ना दोनों, ये उसकी कार्डिनैलिटी है कि ब्रांच का के अंदर डिपार्टमेंट अगर नहीं होंगे तो वो ब्रांच ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर नहीं होंगे तो भी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। तो लेकिन एक जो है डिपार्टमेंट, उसका एक ही मैनेजर होगा, उसके ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकते, और जो मैनेजर है वो एक ही डिपार्टमेंट का मैनेजर एट ए टाइम हो सकता है, वो दो तीन डिपार्टमेंट्स का मैनेजर नहीं हो सकता, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट है, एक ब्रांच में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट तो हो सकते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये दो ब्रांचेस में इसका ताल्लुक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स में देखें तो ये वन रिलेशनशिप है कि ये डिपार्टमेंट इसी ब्रांच का डिपार्टमेंट होगा, ये किसी और ब्रांच के अंडर नहीं आएगा, ये किसी और के रूल्स रेगुलेशंस को या उसके डाटा को मैनेज नहीं करेगा। अब देखें, कार्डिनैलिटी बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ईच ब्रांच हैज वन और मोर डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट कैन ओनली बी इन वन ब्रांच, ठीक है। ये पहले वाला रिलेशनशिप आ गया। दूसरे में आपके पास क्या है, कार्डिनैलिटी जो है इसमें डिपार्टमेंट और मैनेजर में बताई है कि ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजर एंड मैनेजर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट, वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स का मैनेजर नहीं बन सकता। उसके बाद देखें, देयरफॉर कार्डिनैलिटी बिटवीन, ये तो वन टू वन हो गई, आपके पास मोडेलिटी क्या है। मोडेलिटी वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट में वन क्या है, इज वन ऑन बोथ हैंड्स, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैनेजर और डिपार्टमेंट है वो भी मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिपार्टमेंट हो और उसकी ब्रांच ना हो, या ब्रांच हो उसमें डिपार्टमेंट ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट हो और उसका मैनेजर ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैनेजर हो और उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन ना किया जाए।
तो ये वही चीज एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो इसको इसको भी आप रीड कर लें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अब आपके लिए। इसके बाद हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की एग्जांपल्स गिवन है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स आपको गिवन है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की है, और इसके अलावा आपके पास जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एग्जांपल्स है टॉपिक है। तो हम अगर इसमें एक ईआरडी को भी डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एग्जांपल्स को करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।